हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहरुख जहूर और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक और अदद कोरोना की पोस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद 1200x1200 हाइट और विड्थ लेंगे और 72 रेजोल्यूशन, RGB कलर और वाइट बैकग्राउंड। क्रिएट पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से एक ब्लू कलर ले लीजिएगा हसबे जायका, और उसके बाद इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क, ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक लेयर खोलिएगा, ऑल्टर बैकस्पेस से हम ये कलर डालेंगे, कंट्रोल यू से मुझे लगता है कि मुझे इसका कलर थोड़ा डार्क करना चाहिए, इस तरीके से ओके करें। उसके बाद एक लेयर और खोलें, यहाँ से लेंगे आप ब्रश, उसका करेंगे साइज बड़ा, यहाँ से लेंगे थोड़ा सा लाइट कलर ब्लू और हम करेंगे क्लिक इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद हम फाइल पे आते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सॉरी फाइल ओपन, और उसके बाद यहां से उठाता हूं मैं ये और ये, इसको ओपन कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके लॉक खोलना है, ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लेंगे मैजिक ई रिजल्ट टूल और सिंपल क्लिक करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये होल्डर रह जाएगा। इस होल्डर को उठा के यहाँ रखें और यहाँ फेंक दीजिए, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे आप इस तरीके से, इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसको कंट्रोल यू कीजिएगा और इसको थोड़ा सा सेचुरेशन कम कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ओके कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पाएंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, यहाँ क्लिक करेंगे, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाइएगा और थोड़ा सा कंट्रास्ट, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करें, ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा कम करें, ओके बेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल एक लेयर खोलिएगा, इसके ऊपर ब्रश लीजिएगा सॉफ्ट, ठीक है, ब्लैक कलर ले लीजिएगा, यहाँ से डी दबाएंगे तो डिफॉल्ट कलर आ जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाएगा, क्लिक कीजिएगा एक, उसके बाद कंट्रोल टी से इसको छोटा कीजिएगा, शिफ्ट के साथ इसको इसको यहाँ रखते हैं ऐसे, थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको उठा के रखें आप यहाँ पे, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि एक और लेयर खोलते हैं और उसको हम करते हैं ब्राइटनेस कर्व, इसको थोड़ा सा डाउन करें यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा और। उसके बाद यहाँ से लें आप ब्रश, इसको छोटा करें, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम करें और हसबे जायका फेरना स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ इतना नहीं फरिएगा, इसको ऐसे रहिएगा, ठीक है जी, ये हो गया आपका, ओके जी। अच्छा, एक लेयर और खोल लेते हैं, ब्लैक ही कलर लीजिएगा यहाँ से और ओपेसिटी थोड़ी कम कीजिएगा और इसके थोड़ा सा हल्का सा एक दफ़े मार दीजिए, एक दफ़ा सिंपल क्लिक कीजिएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं ग्लोब, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट, राइट क्लिक कीजिएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको कीजिएगा छोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मास्क देते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, ये चीज़ है, ये वाइटनेस जो है इसकी ओपेसिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ओके जी, हो गया ये डन, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें, इसको भी यहाँ से रिमूव। उसके बाद अब काम स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करें, इसको रखना है आपने इसके ऊपर, बट इससे पहले आप आएंगे यहाँ पे, आप करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको थोड़ा सा छोटा कीजिएगा, थोड़ा सा और, कन्वर्ट टू मास्क को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से फिर छोटा, इसके ऊपर पहले रख के देख लें, ओके, मेरे ख्याल से इतना
काफी है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, काफी है। अब हम इसको देंगे मास्क, यहां से लेंगे हार्डनेस की 0, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम बल्कि ज्यादा ही रखिएगा, और अब हम इसको रब करना स्टार्ट करते हैं ऐसे। ठीक है जी, ये ठीक है। अच्छा, नीचे के लेयर्स कुछ देर के लिए गायब कर दें। अच्छा जी, ब्रश टूल लेके हम इसको मिटा रहे थे, थोड़ा सा यहाँ से मिटाएं, थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ से हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इस पे आके कंट्रोल यू करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, ब्लूश कलर देंगे इसको, और थोड़ा सा इसको कलर सेचुरेट बढ़ाएंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल बी करके इसको लेफ्ट साइड पे करेंगे, और इसको राइट साइड पे, और इसको भी थोड़ा राइट साइड, ठीक है जी। अब एक साथ मूव कराना है इनको, अगर हम एक को मूव कराएंगे तो खाली ये मूव होगा, तो हम कंट्रोल क्लिक से दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब हम करते हैं राइट क्लिक करके लिंक क्लियर, इससे होगा क्या कि दोनों एक साथ मूव होंगे, ठीक है। कंट्रोल टी करें, इसको छोटा करें, इस तरह इसको घुमा दें इस तरीके से, ठीक है जी। अब हम बाकी लेयर्स खोल देंगे ताकि हमें दिखना स्टार्ट हो कि हमने करा क्या क्या था। ओके, इसको यहाँ रखा, कंट्रोल टी करा, इसको घुमाया, इसको बड़ा करा ऐसे, इसको यहाँ रख दिया, थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे ऐसे, इसको रखेंगे ऐसे ग्लोब की शक्ल में, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, या ये ठीक है जी। अब सबसे पहले तो सेव कर लें, कंट्रोल एस करें और इसको कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। मैं इसको फिलहाल 1 ही रखता हूँ और इसको करता हूँ सेव। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे शेडोज, जो एक शेड है इसको क्लियर खोलेंगे, इसका कलर करते हैं पहले, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, ठीक है। इसी ब्लू कलर को थोड़ा सा पकड़ के बड़ा कर दें, ठीक है, ये क्लियर खोली। इसके ऊपर आपने व्हाइट कलर ले लीजिएगा यहाँ से, और याद रखिएगा कि हार्डनेस 0 हो, आपने सिंपल एक क्लिक करना है, एक क्लिक, ठीक है जी, बेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। अच्छा जी, अब आपने करने का यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ब्लू से ऊपर आके व्हाइट से ऊपर आके आपने क्लिक करना है, और टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे क्रोना, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ रख दीजिएगा इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, और इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, पर अभी नहीं, इससे पहले हम फाइल पाएंगे, ओपन पाएंगे, और यहाँ से उठाएंगे आइक, हम ये ओपन कीजिएगा इसको, और इसको कीजिएगा कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल से कॉपी, नोइज़ है असल में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर आके कीजिएगा पेस्ट, ये आ जाएगा इधर ऐसे, इसको आप कर देंगे स्क्रीन, ठीक है, कंट्रोल टी से इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, इसको यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप इसको देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है, इस पर कलर डॉज भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, और सॉफ्ट लाइट भी अच्छा लग रहा है, और ले या फिर कलर लॉज, मैंने इसको ओवरले कर दिया, ठीक है, ओवरले बेस्ट हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फॉन्ट लिया अबंटो, यूबी अबंटो। अच्छा, वो जो वो दूसरा फॉन्ट है क्रोना का, उस फॉन्ट का नाम ही क्रोना फॉन्ट है, और ये आपको dafont.com पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से लिख लिया स्टे होम स्टे सेफ, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पर आके करेक्टर में इसको स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। स्नैपिंग हटा दूँ यहाँ से, इसकी कॉपी बना के ऊपर लाते हैं, और यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिख देते हैं, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे, ठीक है जी, इसको रखेंगे यहाँ
सेंटर में, ठीक है। और एक थोड़ा सा अगर आप करना चाहें तो कंट्रोल दबा के रखिएगा, एक लेयर खोलिएगा, यहाँ से ब्रूश लीजिएगा। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ऐसे अगर आपका दिल करे तो कर लीजिएगा, वरना नहीं। मैं भी सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी हार्डनेस 0 रखिएगा, ठीक है। ब्रश का साइज़ बड़ा कर लें और हल्का सा इधर एक कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये आपका कोरोना का पोस्टर रेडी है, ठीक है। थोड़ा सेंट्रलाइज करके देखते हैं इसको, ओके जी, बेस्ट हो गया। तो ये आपकी कोरोना की पोस्ट तैयार है जनाब, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कहीं भी प्रोजेक्ट में, फेसबुक पे या अपने जहां आपका दिल करे, इंस्टाग्राम पे, जहां आपका दिल करे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कि आपने देखा और आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो काइंडली मैं चाहता हूं कि इनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है जी। जब तक के लिए बाय।